रायपुर से लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन, क्वारंटीन। तो लॉकडाउन में नियम उल्लंघन के 28 अपराध दर्ज हुए हैं। क्वारंटीन उल्लंघन और जानकारी छिपाने के ये मामले हैं। आईपीसी की धारा 188-259 के तहत ये मामले दर्ज किए गए। तो मुंगेली, रायगढ़, गौरेला, बलरामपुर, बस्तर में ये मामले हैं। शिवम हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। शिवम, सख्त होता जा रहा है जिला प्रशासन के साथ साथ पुलिस प्रशासन। जी बिल्कुल सही बात है कि देखिए जिस तरीके से कोरोना संक्रमण के चलते देश में लॉकडाउन लगा रखा है, ये लॉकडाउन पार्ट थ्री है, उसके बावजूद भी कई ऐसे लोग हैं जो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करते हैं, अनावश्यक कार्यों के चलते लगातार शहरों पर घूमते नजर आते हैं। उनको चलते हुए देखते हुए जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी एक तरीके से सख्त मोड में नजर आ रही है, लगातार लोगों पर कार्रवाई कर रही है। लगातार कई ऐसे लोग हैं जहाँ दर्जनों लोगों पर कार्रवाई की जाती है, चाहे वो लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन कर रहे हो, अपनी जानकारी छुपाने को लेकर कर रहे हो। अब देश भर में इस तरीके की कार्रवाई लगातार जारी है। उसके बाद अगर बात करें छत्तीसगढ़ राज्य की, तो ये भी यहाँ पर भी दो दिनों का लॉकडाउन की भी तैयारी है, पूर्ण लॉकडाउन की तैयारी है, जहाँ पर शनिवार और रविवार दो दिनों का पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा। उसे लेकर के भी लगातार बैठकें जारी है और पुलिस अधीक्षक द्वारा पुलिस के आला अधिकारियों को निर्देशित किया जा रहा है कि दो दिन सख्ती से इसका पालन कराया जाए राजधानी में, इसके बावजूद अन्य जिलों में। और देखा जाना है कि जो दो दिन का शनिवार और रविवार का लॉकडाउन है, ये कितना कारगर साबित होता है कोरोना वायरस से संक्रमण से बचने। नजर बनाए रखिएगा, अपडेट आपसे आगे भी लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया आपका जानकारी के लिए। चलिए बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, खबरें लगातार जारी है।